नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। पूरियां हम त्योहारों पर बनाते हैं, किसी भी मेहमान के आने पर बनाते हैं और सुबह सुबह नाश्ते में भी बनाते हैं। अनेक प्रकार की पूरियां बनाते हैं हम। आज हम सर्दी के मौसम में बनने वाली स्पेशल पूरी बनाएंगे। हम बनाएंगे मक्के के आटे की नमकीन पूरी। बहुत अच्छी पूरियां बनती हैं, तो आइए मक्के के आटे की नमकीन पूरी बनाना शुरू करते हैं। बड़े प्याले में हमने एक कप मक्के का आटा लिया हुआ है, गेहूं का आटा भी हमने एक कप लिया है। मिक्स कर लेंगे। आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे, आधा छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डाल देते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और दो छोटे चम्मच तेल डालेंगे। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा सा सख्त आटा गूंथेंगे, जैसा कि हम पूरी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं। ये आटा हमने गूंथकर तैयार कर लिया और इतना आटा गूंथने में 3/4 कप पानी लगा, 1 कप से पानी बच गया है। आटे को हम ढक करके 20-25 मिनट के लिए रख देंगे, आटा सेट हो जाएगा। इसके बाद हम पूरियां बनाएंगे। 20 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी सेट हो गया है। हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाकर हाथ को चिकना करेंगे और आटे को हम थोड़ा सा मसल लेंगे। आटे से तोड़कर हम छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। ये हमने छोटी छोटी लोइयां तोड़ ली हैं आटे से और अब हम इनकी पूरी बनाएंगे। तेल हमने कढ़ाई में गरम कर लिया है। पूरी बनाने के लिए हम एक लोई उठाएंगे और थोड़ा सा तेल लगाकर इसे अच्छे तरीके से गोल करेंगे, इस तरीके से। तो हम ये लोइयां तैयार कर लेते हैं और अब हम पूरियां बनाएंगे। तो एक लोई हम लेंगे और चकले पर थोड़ा तेल लगा करके हम इसे बेलेंगे। पूरी को हम थोड़ा सा मोटा बेलेंगे। गेहूं के आटे की पूरी हम एकदम पतली बेलते हैं, लेकिन इसे हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे। तेल को चेक करने के लिए हम थोड़ा सा आटा हम तेल में डाल सकते हैं। आटा सिक करके ऊपर तैर करके आ रहा है, तेल हमारा गर्म हो गया है। पूरी तलने के लिए हमें अच्छा गर्म तेल चाहिए, तो हम पूरी को कढ़ाई में तलने के लिए डालते हैं। कलछी से दबाकर पूरी को फुलाएंगे और पूरी फूलने पर निचली सतह से थोड़ा सा सिकने पर हम इसे पलट देंगे और पूरी को दोनों ओर से अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। जब तक ये पूरी सिक रही है, तब तक हम दूसरी पूरी इसी तरीके से बेलकर तैयार करेंगे। ये पूरी हमारे दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसे हम निकाल लेते हैं। और दूसरी पूरी भी हमारी फूल गई है, इसे हम पलट देते हैं। सारी पूरियां हमें इसी तरीके से सेक कर तल कर तैयार करनी है। ये हमने सारी पूरियां तल करके तैयार कर ली। इतने आटे में हमने 12 पूरियां बनाकर तैयार की हैं। तो मक्के के आटे की नमकीन पूरियां बनकर तैयार हैं। बहुत ही अच्छी पूरी बनी है, गर्मा गर्म क्रिस्पी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और इन पूरियों को मटर आलू की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी या किसी भी अपनी मनपसंद सब्जी के साथ में परोस सकते हैं। मक्के के आटे की पूरियां बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप बाकी सारी पूरियां बनाते हैं। लेकिन इन पूरियों को बेलते समय थोड़ा ध्यान रखना है, इन्हें थोड़ा सा मोटा रखना है बाकी पूरियों के कंपैरिजन में। तलते समय तेल अच्छा गर्म हो तभी पूरी तलने के लिए डालें, पूरी एकदम फूली फूली बनेंगी। तो आप ये पूरियां बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।